आजकल ट्रेडिंग कर पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है। पैसे की चाह में लोग इधर उधर हाथ पैर मारा करते हैं और कई बार सही नॉलेज ना होने के कारण लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है, करेज, एक्सपीरियंस और नॉलेज। नॉलेज आप किसी बुक, आर्टिकल या फिर मूवीज से ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ 5 मूवीज की जिन्हें देखकर आप अपने ट्रेडिंग के करियर में बूस्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पर आती है दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013। ये अमेरिकी महाकाव्य जीवनी पर आधारित ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो जॉर्डन बेलफोर्ट के 2007 के इसी नाम के संस्मरण पर आधारित है। ये न्यूयॉर्क शहर में एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में बेलफोर्ट के करियर का वर्णन करता है और कैसे उनकी फर्म स्ट्रैटन ओकमोंट वॉल स्ट्रीट पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी में लगी हुई थी जिससे उनका पतन हुआ। हमारी अगली मूवी का नाम है मार्जिन कॉल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूवी है जो कि US क्राइसिस पर बेस्ड है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे एक ट्रेडर क्राइसिस के वक्त अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है। अगली मूवी का नाम है बॉयलर रूम, जो 2000 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक कॉलेज ड्रॉपआउट अपने पिता के उच्च मानकों पर खरा उतरने का प्रयास करते हुए एक उपनगरीय निवेश फर्म के लिए ब्रोकर के रूप में नौकरी पाता है जो उसे फास्ट ट्रैक पर ले जाता है सफलता के लिए, लेकिन नौकरी उतनी वैध नहीं हो सकती जितनी पहले लगती थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10 में से 7 है। नेक्स्ट मूवी है द बिग बुल। अगर हर्षद मेहता के ऊपर आधारित मूवी के बारे में बात करें तो इंडिया में 3 मूवी बनी है जिसमें से ये एक है। आप में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि स्कैम 1992 के रिलीज से पहले दी बिग बुल की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर जब बिग बुल रिलीज हुई तो सबने 1992 की कॉपी बताई। नेक्स्ट मूवी का नाम है रोग ट्रेडर, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी। इस मूवी में पता चलेगा कि कैसे एक ही व्यक्ति ने पूरे के पूरे ब्रिटेन के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक को गिरा दिया था। आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से लवराज एक लिमिट के बाद नुकसानदायक हो सकती है। तो ये थी कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मूवीज। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप आकाश द रिव्यूअर का हिस्सा बन सकते हैं।